पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष मीना त्रिपाठी व पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को रेलवे अस्पताल में स्थित नवनिर्मित 18 बेड के चाइल्ड वार्ड का बटन दबाकर लोकार्पण किया, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कोविड के संभावित तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के लिए 18 बेड का अस्पताल बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें 8 बेड आईसीयू फैसिलिटी तथा 10 बेड पर ऑक्सीजन की फैसिलिटी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि इसके पहले रेलवे अस्पताल में पहले से ही ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा चुकी है। रेलवे अस्पताल कोविड की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के इलाज के लिए कारगर साबित होगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जो भी कमियां मिलेगी उसको दुरुस्त कराया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन की अध्यक्ष मीना त्रिपाठी और पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी ने कहा, मैम सामने हेलो इधर आइए हैंड ओवर कर दीजिए मैम। एमडी साहब आप लोग एक रूम में जाइए। देखिए भाई हाँ अच्छा ये तो बहुत सब में सब ताले ये हमने दे दी लीजिए। मैं लिस्ट बना रही हूं, मैंने बता दी देगा।
इसमें आप जैसा कि आप देख रहे हैं ऑक्सीजन हम लोगों ने हर बेड पे प्रोवाइड किया हुआ है। बाकी ये जो सिस्टमेटिक जो बेड आते हैं वो अब प्रोवाइड किया हुआ है। जितनी बेस्ट हम दे सकते हैं वो हम लोगों ने इस चाइल्ड को उसमें दिया हुआ है। हमारे हिसाब से तो बहुत कारगर साबित होगा, लेकिन हम ये जरूर प्रे करेंगे कि कोई भी बच्चा यहाँ पे ना आए। यहाँ पे 18 बेड बनाए हैं बच्चों के लिए। बेसिकली ये था कि कोविड की थर्ड वेव में बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो सकती है, बिकॉज इन लोगों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है अभी बच्चों का, तो उसके लिए ये हम लोगों ने तैयारी करी थी। 8 बेड हैं जो कि ICU फैसिलिटीज़ के साथ हैं, और 10 जनरल बेड हैं, पर ऑक्सीजन की फैसिलिटी सबके पास है। आपको पता ही होगा यहाँ ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी लगा हुआ है, काम कर रहा है, तो उसी के लिए इसको किया गया है। कितना कारगर साबित होगा बच्चों? ये पूरा कारगर साबित होगा बच्चों की हर चीज़ को लुक आफ्टर करने के लिए। जो भी इक्विपमेंट या जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ बन गई हैं, तो सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं। बाकी तो भगवान न करे इसकी ज़रूरत पड़े हमें तीसरे रूप में।